हेलो, गुड इवनिंग एवरी स्टूडेंट एंड डियर फ्रेंड। हम आज जो टॉपिक लेके आए हैं वो थोड़ा सा आपका सिलेबस और आपके एग्जाम पैटर्न से डिफरेंट है। मोटिवेशनल सीएसएन 2020 पार्ट सेकंड। आज इससे पहले हम पार्ट फर्स्ट के बारे में बात कर चुके थे, आज हम पार्ट सेकंड के बारे में बात करते हैं। छोटी सी स्टोरी के माध्यम से हम आपको समझाना चाहेंगे कि आप कैसे अपनी लाइफ में, अपने जीवन में कुछ चीजों को बटोर कर अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते। ठीक है, वो कैसे, मैं एक स्टोरी आपको सुनाना चाहता हूं। स्टोरी में यह है, वो छोटी सी स्टोरी है कि एक राजा था। उसके बाद देखो, राजा के पास पूरी धन संपदा की कोई कमी नहीं होती है, लेकिन क्या होता है कि उसका राजकाज बहुत अच्छे से चला हुआ होता है। उसके एक बेटा होता है, वो बेटा छोटा होता है, 8 से 10 साल का। उसके बाद उसकी दादी माँ होती है, जो राजा की माँ है, वो अपनी दादी माँ के संपर्क में ज्यादा रहता है। तो वो अपनी दादी माँ से एक क्वेश्चन पूछता है। हम इसको बहुत छोटा लेके चलेंगे, स्टोरी काफी बढ़िया है, लेकिन छोटी वीडियो बनाएंगे जिससे कि आपको ऑन कंक्लूजन पे पहुंचे आप। ठीक, तो अपनी दादी माँ से वो संपर्क में ज्यादा रहता है। दादी माँ से संपर्क में रहने के बाद वो पूछता है अपनी दादी माँ से कि दादी माँ, हमें काम करने की जरूरत क्यों होती है। ठीक है, काम करने की जरूरत क्यों होती है कि सभी लोग इतना कार्य करते हैं, फिर वो अपने जीवन में चलते रहते हैं और इतना सब अर्निंग करते हैं। अर्निंग करने के साथ साथ ऐसे राजा महाराजा और मंत्री बनते हैं। ठीक है, तो इससे क्या बेनिफिट होता है लाइफ में और हमारे जीवन में ये जरूरी क्यों है। तो उसकी दादी बहुत छोटा सा उसको जवाब देती है बच्चे को कि बेटा, इसका जवाब मैं टाइम आने पर आपको दूंगी। तो एक बार क्या होता है, उसकी दादी उसको जवाब देने के लिए क्या करती है, दूसरे राज्य में चले जाती है। तो दूसरे राज्य में जाने के बाद होता क्या है कि उसकी दादी वो बच्चा दोनों के दोनों चले जाते हैं दूसरे राज्य में। तो दूसरे राज्य में जाने के बाद वो करते क्या है, उसकी दादी कहती है कि बेटा, उनके पास थैले होते हैं, जो बैग होते हैं, कुछ बैग होते हैं, उन बैग्स में उसकी दादी कहती है कि बेटा, मैं और आप दोनों को, हमें ये जो बैग्स हैं हमारे पास, इनको हमें फिल करना है, भरना है। ठीक है, तो बच्चा कहता है कि दादी, इनको भरने से हमें क्या फायदा होगा और हमें तो कोई बेनिफिट नहीं होने वाला, क्यों भरे हम इनको। उन्होंने कहा बेटा, इनको भर लीजिए आप जैसे भी। इससे इस कहानी के माध्यम से आपको उसकी जो दादी माँ, वो कहती है उसको कि हम आपको बताएंगे कि हमें जीवन में सब चीजों की, अर्निंग की और आपका शिक्षा की और आपका किसी भी एक्सपीरियंस की क्यों जरूरत होती है। उसके बारे में उसकी दादी उसको बताती है, कहती है कि बेटा, जो भी तुम्हारे मन में चाहे वो आप इसमें थैले में भर लीजिए, बैग्स में भर लीजिए। तो बैग्स में क्या करता है, जो आपका चाइल्ड है वो क्या भरता है, ग्रास, और जो आपकी ग्रांड मदर वो आपका क्या, अपने बैग्स में क्या फिल करती है, मैंगो। ठीक है, अभी मैंगो और ग्रास की ही कहानी है। तो मैंगो ग्रास में क्या होता है, अब उसके बाद क्या होता है, जैसे वो ये बच्चा तो अपने बैग्स में ग्रास भर देता है और ये क्या, जो उसकी दादी माँ होती है वो मैंगो को अपने बैग्स में भर लेती है। तो उसके बाद होता क्या है कि वो जहां पे दूसरे राज्य में गए होते हैं, उस राज्य में क्या हो जाता है कि उन दोनों को गिरफ्त कर लिया जाता है कि ये लोग दूसरे राज्य से आए हुए हैं और ये खुफिया कुछ काम के लिए आए हुए हैं और हमारे राज्य को हानि पहुंचा सकते हैं। उसका राज्य जो राजा है वो उनको बंदी बना लेता है। अब उनको बंदी बनाने के बाद बात ये आती है कि जब उनको बंदी बना लिया जाता है तो उनकी जो ग्रैंड मदर है और उस बच्चे को क्या है, एक ही काल कोठड़ी में बंद कर दिया जाता है, कारागार में। तो बंद करने के बाद होता क्या है कि आपका, अब वो उसकी दादी माँ उसको बताती है कि बेटा देखो, मैंने अपनी लाइफ, अपने बैग्स में क्या भरा था, मैंगो, और आपने क्या भरा है, ग्रास, घास। तो अब हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं है, तो अब ये मैंगो जो हमने अपने बैग में भरे हैं, ये मैंगो ही हमारा साथ देंगे, ठीक है, ना कि ग्रास। तो यही हमारे जीवन में है कि
कि हम अपने जीवन में कैसे ग्रास को भरते हैं या मैंगोज को फिल करते हैं। अगर हम अपने जीवन में ग्रास को हमेशा मतलब कुरीतियों को गलत रास्ते पे चलना, गलत चीजें करना, उस ग्रास का मतलब कुरीतियों पे चलना, गलत कार्य करना और कुसंगति में बैठना और शिक्षा नहीं ग्रहण करना, वो चीजें घास में आई। और मैंगो का मीन्स क्या है? मैंगो का मीन्स ये है कि हम अपनी लाइफ में शिक्षा को ग्रहण करें, अच्छे नीति को अपनाएं, सत्य के साथ चलें, और वो सब चीजें मैंगो में आती है। तो फिर जब हम कष्ट में होते हैं, किसी भी सिचुएशन में हम फंस जाते हैं, तो कष्ट में हमारे ये मैंगोज, और ये हमारा मैंगोज का मतलब हमारा सत्य, हमारा जो एजुकेशन है वो हमारे काम आता है। तो उसके ग्रैंड मदर ने उसको बच्चे को यही बताया कि आप ऐसे ही, इसलिए हमें जरूरत होती है कि हम अपनी लाइफ में अच्छे कार्य करें, वही अच्छे कार्य हमें आपके जब टाइम खराब होगा या टाइम में आपके टाइम खराब होने का मतलब है कि आपके साथ जब भी कोई इंसिडेंट होगा तो उस इंसिडेंट में वो चीजें आपके काम आएंगी, जैसे आपकी शिक्षा हो गई, जैसा आपका सत्य जो आपने कार्य किए हैं, जो आपने एक्सपीरियंस इकट्ठा किया है, वो सब चीजें आपके काम आएंगी। ठीक है, तो हमें इस स्टोरी से यही पता चलता है कि आप अपनी लाइफ में इन मैंगोज को कलेक्ट करें, ना कि इन ग्रास, इस ग्रास को इकट्ठा करें। ठीक है, तो आज का सेशन हमारा यहीं पे एंड होता है। ये मैं आशा करता हूँ कि ये स्टोरी आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और स्टोरी अच्छी लगने के साथ साथ अब मैं फिर दोबारा कहूंगा कि इस चैनल को आप, अगर न्यू व्यूअर है हमारे यहाँ, तो इसको चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इन वीडियोज को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।